कहना है आपका? पिछली रात 1 बजे के करीब माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के बिल्कुल साथ रेस्टोरेंट में चौपाल चुनाव क्षेत्र कुपी का मुनीश नाम का लड़का उस रेस्टोरेंट में काफी टाइम से नौकरी कर रहा था। कल रात साथ के रेस्टोरेंट में जो उस रेस्टोरेंट में काफी टाइम से नौकरी कर रहा था वो रात के समय चोरी करने के लिए उस रेस्टोरेंट में आया। जब इसने कोई आवाज सुनी मनीष ने तो ये उठकर दरवाजा जैसे ही खोला तो उसने इस पर मनीष पर बहुत ही तेज धार हथियार से वार किया और ये बुरी तरह घायल हुआ। घायल होने के बाद ये रिपोर्टिंग रूम की तरफ भागा और पीछे से जिसने मनीष का कत्ल किया वो हथियारा भी पीछे से भागा और बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम के दरवाजे के सामने उसने और वार करके उसको गिराया। वहाँ पर बहुत ब्लड भी गिरा। फिर जब वो मनीष गिरा वहाँ पर उस लड़के ने वो हथियार भी वहीं फेंका और वो भाग गया। फिर मनीष ने वही हथियार फेंककर पुलिस के कंट्रोल रूम में फेंका। फिर पुलिस वाले उठे उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक माल रोड हमारा सबसे सेंसिटिव प्लेस हिमाचल प्रदेश का है और वहाँ पर दिन रात पुलिस गश्त करती है और साथ ही साथ उसके बाद पुलिस वालों ने इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की कि जितने भी बैरियर है और पुलिस थाने हैं वहाँ रात को इंटीमेशन ना देकर वो हथियारा रात को ही बस स्टैंड गया, बस स्टैंड से रात को ही बस में बैठकर निकल गया और पुलिस हिमाचल प्रदेश की सोई रही और वो हिमाचल प्रदेश से क्रॉस हुआ। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस ने की है, एक हथियारे को हिमाचल प्रदेश से जाने दिया। इसमें लगता है कि पुलिस हिमाचल प्रदेश की बहुत ही लापरवाह है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, किसी भी मैटर में वो सीरियस नहीं होती। और उसके बाद हैरानी और आगे बढ़ी जब पूरे चौपाल के लोग, कुपवी के लोग शिमला पहुंचे प्रदेश की सरकार की तरफ से, प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रदेश की पुलिस की तरफ से उस बच्चे के माँ बाप से मिलने को ही नहीं गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक भी कोई आदमी मिलने नहीं आया। हिमाचल सरकार, हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी उसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है। और जिस तरीके से प्रदेश की पुलिस ने इस केस को डील किया है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग रहेगी कि आप उन अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई करें जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की है। और रात को ही क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, क्यों हिमाचल प्रदेश से एक इतने बड़े मुलजिम को जाने दिया जिन्होंने भी इसमें लापरवाही की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करें और आइंदा ऐसा ऐसी हादसा किसके साथ ना हो। और हिमाचल प्रदेश में जो एक डर का माहौल पैदा हुआ है, कुछ दिन पहले ही मेरे निरवा में एक ज्वेलर्स को भी इसी तरह मारा, उसके दोनों हाथ बांधकर उसके घर में और मुंह में कपड़ा डालकर उसका सारा सोना लूट के ले गए। ये भी एक हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कत्ल हो रहे हैं और सरकार और पुलिस बिल्कुल सोई है। यही विनती है कि आप इन कातिलों को जल्दी पकड़कर जेल में डालकर और जिनके साथ ये अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले।